ये देख लो भाई, सामने वो बंदा जो तोड़ रहा है ना मकान, उसको देख के मुझे याद आ गया बलदेव द डिस्ट्रॉयर। सो गाइस, सुबह सुबह ठंड में मेथी खा रहे हैं। अगर मेथी नहीं खाए ना तो इस उम्र में भी मेथी पाक खाना पड़ता है। मॉम डैड ऐसा बोलता है सुबह सुबह, तो ये कंपलसरी है भाई, ठंड में ये खाना ही खाना है। ये जो मेथी आती है ना, मेथी कड़वी, उससे बनता है। कमर दर्द के लिए, उस सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कंपलसरी है भाई, हर विंटर में रोज़ एक खाना पड़ता है ये। नहीं तो मेथी नहीं खाएगा तो मेथी पाक खाना पड़ेगा मम्मी पापा के हाथ का। तो इससे बेटर है कि मेथी ही खा ले। इस उम्र में मेथी पाक खाए तो अच्छा नहीं लगता। कड़वा थोड़ा सा रहता है, बट बहुत अच्छा अच्छा इसमें डालते हैं यार, सब ड्राई फ्रूट ये वो वगैरह। सो वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। सो गाइस, अभी खा रहे हैं हम खाना। आज है बाजरे की रोटी, जैसे मैंने बताया भाई, बाजरे की रोटी और गुड़, ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, मतलब बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन का ये है। बाजरे की रोटी, गुड़ और उसमें घी, भाई क्या टेस्ट आता है उसका यार, बहुत मज़ा आता है भाई। बाजरे की रोटी आ चुकी है। ये मूंग की दाल है, बट वो इसके साथ थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है, तो हम गुड़ के साथ खाएंगे। रख लो घी वाह, आलू कटे, नाक जी गुड़ थोड़ा घी घी में घी रोटी पड़ा पी दे। घी आलू बाजरे की रोटी, गुड़ और घी, बढ़िया भाई। इतना मैं खाना खा लेता हूँ भाई, बाद में बात करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया। ब्लॉग बाद में करेंगे, पहले खाना खाते हैं। सूरज जाने की तैयारी में और हम लोग पतंग उड़ाने की। उत्तरायण शुरू हो चुकी है भाई, एक हफ्ता पहले से ही। अगले संडे उत्तरायण है, लेकिन पतंग आज से उड़ने लगे। अभी कम है लेकिन उड़ने तो लगे हैं भाई आज से ही। तो बच्चों के साथ हम लोग आ गए टेरेस पे, पतंग वतंग उड़ाएंगे, अभी मजे लेंगे। काटेगा आज, कितने काटेगा? हाँ पता नहीं, उड़ाया नहीं है तो कहाँ काटने की बात कर रहा है भाई। ये तेरा पतंग पिया हुआ है भाई, पिया हुआ है तेरा पतंग। मैंने पूरे 10 काट लिए हैं। हाँ ले, पेच तो हुआ नहीं है, किसके साथ लिया है पेच भाई? आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। ये किसका है, ग्रीन किसका है भाई? जयला ग्रीन। अरे सर खींचो सर, अरे सर खींचो। अरे लगा ही नहीं है तो कहाँ खींच रहा है भाई, लगा ही नहीं है वो। लड़कियां भी शामिल हो गई है भाई, लड़कियां भी शामिल हो गई। शुरुआत खतरनाक हुई है भाई, हम लोगों की शुरुआत खतरनाक हुई है। हमने बहुत सारे पतंग उड़ा दिए अभी, दो तीन। तो इस सीजन की पहली उतरण है हम लोगों की। पतंग इतना दूर चला गया है कि उसको वापस लाने में ना नानी याद आ जाएगी भाई। खींच खींच के ये देखो भाई, खींच खींच के थक गए सब भाई। लेफ्ट में आने दे, लेफ्ट में आने दे, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। वो आ रहा है, आ रहा है। वो बड़ा ले भाई, लपेट लपेट ले, पकड़ ले, चलो 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 लपेटो भाई। तीन चार पतंग काटने के बाद हमारी गई है, तीन चार पतंग काटने के बाद हमारी गई है। ये स्पीड चाहिए। चार विकेट गिराई है हमने, चार विकेट गिराई है आज हमारी। एक विकेट गिरी है, उनकी चार गिराई है हमने। इस बार की उत्तरायण की शुरुआत इतनी खतरनाक हुई ना भाई, उत्तरायण के दिन तो बहुत मजा आने वाला है। पतंग उड़ा रहा, बिठाने वाला
एक तो आसमान इतना ग्रे हो चुका है ना भाई कि कुछ दिख भी नहीं रहा कि पतंग कहाँ कौन सी है क्या है, क्योंकि सारी पतंगें मोस्टली डार्क कलर में उड़ रही है। उत्तरायण में एक ही दिक्कत होती है यार, एक ही डर रहता है कि पंछी कट ना जाए कहीं दूरी से, तो लेकिन आज थोड़े से दूसरी दिशा में है तो अच्छा है। भाई ऑलमोस्ट सारे काट दिए हैं, बस अभी दो बचे हैं, ये शायद आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, एक हमारा है और एक दूसरा है, ये आखिरी बेच है, उसके बाद देखते क्या होता है। तिंजू का नाम ना लो और पतंग ना कटे तो हो ही नहीं सकता भाई। ओ गए भाई, गए गए, लास्ट पेज था भाई, गए हम लोग लास्ट पेज में गए, लेकिन बहुत काटे हम लोगों ने, बहुत काटे हम लोगों ने, बहुत काटे। सो गाइस ये टाइम जो है ना भाई शाम का इतना खूबसूरत टाइम है, लेकिन ये जो आवाज़ आ रही है ना बैकग्राउंड में, ये पक्षियों की जो इस टावर पे बैठते हैं, फिर आज आसपास मंदिर है तो वहाँ पे अभी आरती पूजा का समय रहता है, नहीं तो भाई ये टाइम व्लॉग करने के लिए इतना बेस्ट है। और आसमान का जो कलर दिख रहा है ना भाई वो ये नहीं है, आसमान पूरा मतलब अलग कलर का है, लेकिन पता नहीं कैमरे में ऐसा लग रहा है। बाकी जो मेरे सामने का व्यू है ना भाई वो मैं आपको दिखाता हूँ, असली व्यू वो है, ये देख लो भाई क्या खूबसूरत शाम है, हमने पतंग जगाए भाई बहुत, आज सैटरडे था फिर भी, वैसे उत्तरायण है अगले संडे को, तो उत्तरायण है अगले संडे को, लेकिन हमने आज पतंग जगाए भी, बच्चों का बहुत मजा था, हम सब ने मिलकर आज पतंग उड़ाए और बहुत मज़ा आया भाई, क्योंकि हमको ये टेरेस पे हमने पतंग उड़ानी थी, क्योंकि ये नया टेरेस है ऊंचा वाला, तो अभी इतना मज़ा आ रहा है, तो मतलब उत्तरायण के दिन तो भाई इतना मज़ा आने वाला है ना भाई कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, अभी आज ही इतना दो घंटे में इतना मज़ा आया। उत्तरायण के दिन तो भाई मज़ा रॉक कर देंगे भाई, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेन तो टेरेस अपने पास सबसे ऊंचा है और अपन मिडल में है, पूरे गांव के बीच का जो ये एरिया है ना वो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे है, सो हर तरफ चाहे किधर भी पवन हो, हवा किधर भी चल रही हो, हमको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पक्षी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाई, तो अभी मैं ब्लॉग यहाँ पर नहीं करूँगा,